Guys, welcome back to my channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vardhan Classes. Here you can get videos related to English literature and other subjects. Today I am starting contemporary period, and the first writer in this period is Philip Larkin. I upload near about 10 videos on contemporary literature, and I also upload the MCQ series on contemporary literature. I am going to tell you about Philip Larkin. If I talk about his birth, it's 1922, okay? It's 1922, and he died in 1985. Okay, 1922 to 1985. Okay, next, if we talk about what he worked as a librarian, he works as a librarian. Okay, librarian. He works as a librarian at Queen's University, Belfast. Okay, where he works as a librarian at Queen's University, Belfast. If we talk about, we see a deep sense of pessimism in his poetry. Okay, we can see पैसिमिज़म मीन्स निराशावाद था. हम उनकी पोइट्री में निराशावाद को देख सकते हैं. पैसिमिज़म एंड डिसइल्यूजनमेंट वी कैन सी पैसिमिज़म एंड डिसइल्यूजनमेंट इन हिज पोइट्री. And we also see, we can see his time is 1922 to 1985. When he started writing, it is a world war time, and we can see the effect of world war in his poetry. ओके, हमने वर्ल्ड वार के देखे हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वार सेकंड भी देखा था. देखो, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड इन्होंने देखा नहीं था. नियर अबाउट 1918-19 तक चला था वो वर्ल्ड वार. तो इनका बर्थ हुआ 1922. देखो, जो भी चीज़ बाद में भी हुई है, अगर देखो इनका जन्म हो गया, पर उसका इफेक्ट तो काफ़ी साल तक रहता है ना, ये चीज़ का. इनको इफेक्ट तो उनको तब भी था, क्योंकि कोई भी चीज़, आज अगर वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है भी ख़त्म हो गया, उसके साथ सारी सिचुएशन सेट हो गई. ये कभी नहीं होता. सिचुएशन को सेट होते 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 कई साल लग जाते हैं, और उन्होंने मतलब इसके ट्रबल्स को फेस किया है. एंड द ट्रबल्स फेस्ड बाई कॉमन पीपल, जो लोगों ने फेस किया उन्होंने भी फेस किया. अगर हम बात करें, वी ऑब्जर्व लैक ऑफ रिलीजियस फेथ इन हिज पॉम. हम उनकी पॉम्स में मतलब रिलीजियस फेथ की लैक को भी देख सकते हैं. अगर हम बात करें इनकी पोएम है चर्च गोइंग. ओके, चर्च गोइंग. अगर हम चर्च गोइंग की भी बात करें, जो इनके पोएम है ना चर्च, इनमें क्या दिखाया गया, अभी आज के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में बिजी हो गए, उनके पास टाइम नहीं है चर्च जाने के लिए, मतलब रिलीजियस फेथ नहीं है. अभी ये दिखाया है कि बंदा है जो खड़ा है साइकिल के बाहर लेकर खड़ा है, पर वो सोच रहा है मैं क्या करने जाऊँ, ये चीज़ दिखाई गई है. ही डज़ नॉट बिलीव दैट इफ़ यू आर वेटिंग एंड एक्सेप्टिंग फॉर द गुड डेज. वो नहीं, इनका नहीं सोच है अभी, इनको नहीं लगता भी कभी भी अच्छे दिन आएंगे, ये नहीं है. जैसे हमारे मोदी जी का नारा है अच्छे दिन आएंगे, पर ये तो फिलिप लार्किन जी की सोच ही है. ये पैसिमिज्म वाले थे भी, अच्छे दिन कभी आएंगे ही नहीं. नॉट, ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. ओके, फ्यूचर विल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्लेजर फॉर हिम. वो नहीं विश्वास करती. लार्किन डज नॉट थिंक सो. लार्किन इस चीज़ को सोचते ही नहीं. ही इज़ पैसिमिज्म. ही एक्चुअली थिंक दैट इट इज़ यूजलेस टू वेट फॉर द बेस्ट मोमेंट. यानी मोदी जी के नारे पर आप विश्वास मत कीजिए. इट इज़ यूजलेस. ओके, आई एम जस्ट जॉकिंग. इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी पोलिटिकल इशू. आई एम जस्ट जॉकिंग टू गिव यू ऑल द हिंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक. ओके, मैं जस्ट आपको एक हिंट देना चाहती हूँ जिससे आप इस टॉपिक के साथ जुड़ जाएँ. कोई भी ऐसी घटना, अगर मैं देखो, अगर मैं आपको सीधा आपको बताई जाऊँगी, ये आपका नहीं याद रहेगा, लेकिन मैं अगर आपको कोई इंसिडेंट बीच में जोड़ दूंगी तो शायद आपके दिमाग में वो बात रह जाए भी इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है. ओके, मतलब ये पैसिमिज्म थे, इन्होंने कुछ भी
ये बात नहीं कि भी कुछ भी अच्छा होगा, ओके ये कह रहे हैं भी अगर अच्छा भी हुआ तो एट लास्ट स्टॉर्म कम्स, तूफान आएगा और वो सब चीज़ों को बहाकर लेके जाएगा एंड टेक्स अवे ऑल द थिंग्स, ओके ये इन्होंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि पोम्स, किन की पोम्स है, डेज, ओके डेज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, ओके इसमें ही हैज एक्सेप्टिंग हिज सच व्यूज, इन्होंने अपने व्यूज दिखाए हैं, द ब्लीकनेस ऑफ अर्बन लिविंग, क्या दिखाई है, अर्बन लिविंग की ब्लीकनेस दिखाई गई है, फॉर एग्जाम्पल द पोम्स मिस्टर ब्लीनी एंड डिसेप्शंस, ही इज नॉट एक्साइटेड अबाउट द अर्बन लाइफ, ही देयर इज शेम वैनिटी एंड इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी, मतलब अर्बन लाइफ जो है ना, इन्होंने जो शहरी जिंदगी है इसको पसंद नहीं करते थे, उन्होंने क्या वहाँ की मेलनकली को, वहाँ के लोगों का मतलब सेल्फिश होना, इस चीज़ को दिखाया गया, जैसे नेक्स्ट प्लीज हो गया, डेज हो गया, मिस्टर ब्लीनी हो गया, डिसेप्शंस हो गया, मैं पोम्स के नाम लिख देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना, और जस्ट मैं आपको रैंडमली नॉलेज दे रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए, मिस्टर ब्लीनी एंड द नेक्स्ट इन डिसेप्शन, ओके द नेक्स्ट इन डिसेप्शन, डिसेप्शन, these are the poems, okay in these poems he is not excited about the urban life, in wo urban life ke liye excited nahi hai, jaise hum logo ko aaj hota hai, even hum villagers agar hum hain wo sochte hain hum bahar canada shift ho jaye, ya hamare jo normal cities mein reh rahe hain wo kehte hain hum upper city mein chale jaye, aise soch rahe hain, par ye kehte hain it is not use, okay as there is shame vanity and ignorance of reality, kyunki yahan pe shame hai, vanity hai, ignorance matlab sachai se dur hai, in his poem ambulance he shows his concept, देखो अब ambulance इनकी poem में ना उन्होंने इस concept को क्या है clear किया है, okay इनकी poem में ambulance, ambulance इस चीज़ को इन्होंने clear किया है। famous quotes about फिलिप लार्किन, अगर हम बात करें कुछ लोगों ने इनके बारे में बात की है, तो एरिक होमबर्गर ने क्या कहा है, ओके एरिक होमबर्गर, होम बर्गर, एरिस होम बर्गर, द सैडेस्ट हार्ट इन द पास्ट पोस्ट वार सुपर मार्केट, ओके इनको क्या कहा है, द सैडेस्ट हार्ट मतलब इन्होंने देखा है ना वार की, देखी है इन्होंने जो भी कंडीशन देखी है, द सैडेस्ट हार्ट इन द पोस्ट वार, पोस्ट वार सुपर मार्केट, ओके पोस्ट वार सुपर मार्केट, द सैडेस्ट हार्ट इन द पोस्ट वार सुपर मार्केट, और देखो ये क्या आप जोड़ सकते हो, आप देखो इनकी बात हो रही है, देखो इन्होंने क्या देखा था, पोस्ट वार देखी थी, इन्होंने युद्ध देखा था, और होम बर्गर का नाम इस आप मार्केट के साथ, सुपर मार्केट के साथ जोड़ सकते हो, ओके ये लर्न करना आपके लिए आसान हो गया। उसके बाद चार्ल्स टॉमिल्सन, उसके बाद क्या कहा है, चार्ल्स टॉमिल्सन ने क्या कहा है, चार्ल्स टॉमिल्सन, ओके इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है हिज राइटिंग शोज अ ट्रेंडी न सेंस ऑफ डिफीट, ओके क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा है हिज राइटिंग शोज अ टेंडरली, टेंडरली नर्ड सेंस ऑफ डिफीट, हिज राइटिंग शोज अ टेंडरली, हिज राइटिंग शोज अ टेंडरली, आई एम टेंडरली राइटिंग अगेन, टेंडरली, ओके हिज राइटिंग शोज,
हिज राइटिंग शोज अ टेंडरली नर्स्ड सेंस ऑफ डिफीट। ये इन्होंने क्या कहा है चार्ल्स टॉमिलसन ने इनके बारे में, क्या है इन्होंने जो नर्स्ड इन्होंने डिफीट वगैरह देखा उस चीज़ को इन्होंने दिखाया है अपनी पोम्स में। ओके इन्होंने इस चीज़ को दिखाया है, मतलब इनकी पोम्स में आपको ना लार्किंग है जो इन्होंने पोस्ट वार देखेंगे, इनकी सेक्सुअलिटी पोर्नोग्राफी भी देखेंगे आप इनकी पोम्स में, काफ़ी कुछ है। ओके ही इज़ वॉज एन इंग्लिश पोइट, इंग्लिश पोइट थे एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड पोइट ऑफ द हाफ लेट 20th सेंचुरी। एक्लेम्ड पॉइंट देखो इनको माना गया है। ओके ही अटेंडेड ऑक्सफोर्ड एंड देन स्टडीड प्रोफेशनली टू बिकम अ लाइब्रेरियन। इन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की और इन्होंने प्रोफेशनली लाइब्रेरियन बनने की सीखा। करियर ही वुड रिटेन इवन ही ग्रू फेमस फॉर हिज पोएट्री। ऐसा करियर उन्होंने बनाया। ओके रिटेन इवन एज ही, चाहे वो पोइट्री में फेमस हो गए थे पर इन्होंने जो इनका प्रोफेशन था ना लाइब्रेरियन, वो इन्होंने रिटेन रखा। हिज बॉडी ऑफ वर्क टोटल्ड ओनली अबाउट 10 pages, ए स्मॉल साइज, बट ही नॉन द लेस अटेंड क्रिटिकल अक्लेम। लार्किन हैज़ अ रेपुटेशन ऑफ बींग ग्रमी एंड ग्लम। उनका जो रेपुटेशन थी ग्रमी थी ग्लम थी। मैनी ऑफ हिज पोम्स डील विद सैड थीम, मोस्टली आपको पोस्ट वार के अकॉर्डिंग दिख जाएगी इनकी पोम्स में, हमें पोम्स में इनको सैड थीम्स दिखेंगे। इन 1984 ही ऑफर्ड द पोजिशन, इनको ना 1984 में ना इनको पोजिशन ऑफर्ड हुई थी पोएट लॉरिएट की, बट इन्होंने डिक्लाइन कर दी थी। क्यों? इनका इशू था, इनकी हेल्थ इशू थी जिसके लिए इन्होंने डिक्लाइन कर दी थी इसकी, तभी टेडी ह्यूग्स ने ली थी। ओके ये पोजीशन इनको ऑफर हुई थी ये, और इन्होंने डिक्लाइन कर दी थी। ओके बट ही डिक्लाइन टू टेक इट। इन 2000 वर्ड अगर हम बात करें इनके ना 2003 में एक बुक सोसाइटी सर्वे हुआ था, 2003 में एक सर्वे हुआ था बुक सोसाइटी। बुक सोसाइटी सर्वे, बुक सोसाइटी सर्वे हुआ था जिसको जो लार्किन का नाम था ब्रिटेन्स बेस्ट लव्ड पोएट ऑफ द लास्ट 15th ईयर। इनको मतलब पिछले 50 सालों में इनको माना गया है बेस्ट लव्ड पोएट 15th ईयर। ओके लास्ट 15th ईयर में बेस्ट लव्ड पोएट माना गया, बेस्ट लव्ड इनको माना गया है। ओके इनके बारे में ये कहा गया है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी इनकी कुछ ना इनकी फीचर्स थी इनकी पोइट्री की काफ़ी ज़्यादा, क्या क्या इनकी पोइट्री में हमें देखने को मिलते हैं। एक तो एक सिंपलिसिटी इन द पोइट्री, पोइट्री में सिंपलिसिटी को पसंद करते थे। ओके और इनको शाई थे, रेक्लूसिव नेचर भी देखी गई है इनकी, राइट इन पैसिमिस्टिक मूड। एक तो ये सिंपलिसिटी देखो आप लिख लीजिए आप सिंपलिसिटी, एक तो सिंपलिसिटी होगी इनकी पोएम में, एक शाई नेचर थी वो भी इनकी पोएम में हमने देखने को मिल जाता है रिफ्लेक्टेड हिज वर्क। एक इन्होंने पैसिमिस्टिक यूज़ किया है, पैसिमिस्टिक इनकी पोइट्री में हमें देखने को मिल जाता है। एक इन्होंने राय ह्यूमर यूज़ किया है, इन्होंने राय ह्यूमर, ओके राय ह्यूमर यूज़ किया है इन्होंने अपनी पोइट्री में। उसके बाद अगर हम बात करें और जो इनकी ऑर्डिनरेस है और एंटी इंटेलेक्चुअल पोइट थे, ये क्या थे एंटी इंटेलेक्चुअल पोइट थे, और इन्होंने जो यूज़ किया है परसोना ऑफ मिडिल क्लास कॉमन मैन। ओके एक तो इन्होंने लिया है मिडिल क्लास कॉमन मैन, मिडिल क्लास को इन्होंने लिया अपनी पोएम में। ही अडॉप्ट द पिक्चर ऑफ कंटेम्पररी ब्रिटिश पीपल। ओके इन्होंने क्या यूज़ किया अपनी पिक्चर को, कौन सी यूज़ किया कंटेम्पररी ब्रिटिश पीपल को इन्होंने अडॉप्ट किया है, ये इनकी फीचर्स हैं पोइट्री में। अब हम इनकी कुछ पोइट्री कलेक्शंस की बात करें, देखो इनकी पोम्स की और पोइट्री कलेक्शन अलग है। देखो जो अगर हम बात करें पोइट्री कलेक्शंस की बात करें तो इनकी पोइट्री कलेक्शंस इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा, पहले हम इनकी पोइट्री कलेक्शंस की बात करेंगे। पोइट्री कलेक्शन जो इनकी इम्पोर्टेंट है, देखो ये ना पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए थे, सेक्सुअलिटी दिखती है इनकी पोम्स में, आप कभी भी इनको अच्छे से रीड करेंगे ना तो इनको देखेंगे। तो आप ना इनकी जो पोइट्री अपने दिमाग में इनकी पिक्चर ऐसे सेट कर लीजिए, उसके रिगार्डिंग आप इनको देखो। तो आप इनकी फर्स्ट है जो इसकी द नॉर्थ शिप, द
नॉर्थ शिप, याद करने का तरीका बताया मैंने आपको, ओके, जो कि आई थी 1945 में, ओके. द लेस डिसीव्ड, द लेस डिसीव्ड, ये इनकी पोइट्री कलेक्शन है. दीज आर नॉट द पोम्स, दीज आर द नेम ऑफ द पोम्स ऑल्सो, बट इट इज़ ए पोइट्री कलेक्शन, ओके. ये आई थी लेस डिसीव 1955 में. इसके बाद अगर हम बात करें इनकी, द विंडसम वेडिंग, द विंडसम वेडिंग थर्ड पोइट्री कलेक्शन है इनकी, जो तो मैंने बता दी आपको. एक तो आ गई इनकी द नॉर्थ शिप 1945, द लेस डिसीव 1955, द विंडसम वेडिंग, ओके. अब हम बोल रहे हैं द विंडसम वेडिंग, ओके. ये आई थी 1964 में, ये भी इम्पोर्टेंट है इनकी. और उसके बाद इनकी फोर्थ कलेक्शन है हाई विंडोज, हाई विंडोज, ओके. ये इनकी आई थी 1974 में. दीज आर द पोइट्री कलेक्शंस ऑफ फिलिप लार्किन. दीज पोइट्री कलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट, ओके, एज द लेक्चरर पोस्ट और मास्टर कैडर पोस्ट, ओके. नेक्स्ट हम इनकी बात करेंगे, इनकी पोम्स के बारे में बात करेंगे, ओके. अब हम इनकी पोम्स के बारे में बात करेंगे. पॉम्स की अगर हम बात करें तो इनकी है जो मेन है, जो हमने देखो इनका अभी कलेक्शन देखे, उनमें से ही कई पॉम्स भी हैं. द विंडसम वेडिंग, द विंडसम, द विंडसम वेडिंग, द विंडसम वेडिंग, इट केम इन 1964, ओके. इट इज ऑल्सो द पोइट्री कलेक्शन, ओके. नेक्स्ट इज एन अरुंडल टेम, एन अरुंडल टॉम, एन Arundel Tom. It came in 1964. Okay, it came in 1964. Next is Mr. Bleamy. Mr. Bleamy. Mr. Bleamy. It came in 1955. Mr. Bleamy. It came in 1955. Next is This Be the Verse. This Be the Verse. This Be the Verse. It came in 1974. Next is Days. It came in 1964. And the next is MCM. Okay. XIV. ये ऐसे ही नाम है. Okay. इसको. ये आया था 1964 में. Okay. MCMXIV रोमन लेटर्स हैं ये. अगर हम ये इनकी देखो पोइट्री कलेक्शंस होगी फोर, उसके बाद कुछ पोम्स है जो इम्पोर्टेंट है. अब इनकी थोड़ी सी हम बात करेंगे इनकी अदर वर्क्स की, अदर पब्लिकेशंस हुई थी जो इनकी क्या थी, जो अदर पब्लिकेशंस है वो भी इम्पोर्टेंट है इनके बहुत ज़्यादा. अदर पब्लिकेशंस जैसे नावल्स वगैरह हो गई, ओके, कुछ इनकी एक्स्ट्रा वर्क्स हो गई, लेटर्स हो गए. एक है इनका जिल, जिल कौन सा वर्क है, जिल, जिल, इट केम इन 1945, इट इज़ अ नावल, ओके, इट इज़ अ नावल, वी आर टॉकिंग अबाउट नावल. उसके बाद अ गर्ल, अ गर्ल इन विंटर, अ गर्ल इन विंटर, अ गर्ल इन विंटर, इट केम इन 1947, ये भी नॉवल है, ओके. अगर इसकी बात करें कि आई थी एक एंथोलॉजी थी इनकी, पोइट्री एंथोलॉजी थी, वो थी द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश वर्स,
ये नाम नहीं लिख रही, मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये नाम लिखने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, मैं लिख देती हूँ वैसे। द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश वर्स, ओके, इट केम इन 1973। ये ना इनकी एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, ओके, एडिटेड बाय, एंथोलॉजी एडिट की थी लार्किन ने, ओके, ये एंथोलॉजी एडिट की थी। उसके बाद आई थी सिलेक्टेड लेटर्स ऑफ फिलिप लार्किन, जो कि इनके पोस्टोमसली पब्लिश हुए थे 1992 में पब्लिश हुए थे, पर ये लेटर्स, इनके सारे लेटर्स आ जाते हैं, ओके, सिलेक्टेड लेटर्स ऑफ फिलिप लार्किन। इसमें ना 1940 से लेके जब 1985 तक की हैं इनके, और ये पब्लिश हुए थे 1992 में, ओके, पब्लिश 1992 में हुए थे। एक इनकी पोस्टमसली कलेक्शंस आई थी, कलेक्टेड पोइम्स, ये भी पोस्टमसली पब्लिश हुआ है, ओके, ये भी ध्यान रखना, कलेक्टेड पोइम्स, ये काम पूछे जाते हैं, कलेक्टेड पोइम्स, ओके, बताना ज़रूरी है पर पूछे कम जाते हैं, सिलेक्टेड पोइम्स, ओके, ये इनके आए थे 1988 एंड 2003 में, ये ऐसे आए थे इनके, ओके, टू टाइम्स आए थे। अब इनकी कुछ पोम्स के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। मैंने एक पोम लिखी थी एन अरुंडल टॉम, जो इम्पोर्टेंट है ना उनके बारे में बात करूँगी। ये 1964 में आई थी, इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बता देती कि इट वॉज रिटन, ये रिटन हो गई थी, लिख दी थी इन्होंने 1956 में, लिख दी थी एंड पब्लिश हुई थी ये लार्किन की 1964 में, ओके, किस किस कलेक्शन में आई थी, विट्सम वेडिंग में आई थी, ओके, किस कलेक्शन में आई थी, विट्सम वेडिंग में आई थी। एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोइम, दिस बुक्स कंटेन्ड कमर्शियल सक्सेस बाय पोइट्री स्टैंडर्ड्स, इनको इस पोइम्स की, अरुंडल टॉम जब लिखी थी ना, इनको कमर्शियली मतलब इनको फाइनेंशियल सक्सेस भी मिला था। इन द पोइम द स्पीकर इज इंस्पायर्ड बाय सीइंग अ पेयर ऑफ मिडीवियल टॉम, इसमें ना मिडीवियल टॉम्स का पेयर दिखाया गया है, एफिजीज दिखाई गई हैं होल्डिंग हैंड्स इन ए कैथीड्रल, जो कि कैथीड्रल में जिन्होंने अपने हाथ पकड़े हुए हैं। लार्किन हिमसेल्फ वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट आफ्टर विजिटिंग चिचेस्टर कैथीड्रल विद हिज देन पार्टनर, ओके, मोनिका जोन्स, जब अपनी पार्टनर के साथ गया ना वो वहाँ पे चाइसेस्टर कैथीड्रल में गया, उसने देखा, फिर उसको उसने का दिल किया भी मैं मोनिका जोन्स की उस टाइम पे पार्टनर थी उसके साथ जब गया। नेक्स्ट जो वर्क है इनका द नॉर्थ शिप, ओके, ये इनका डेब्यूट नावल है, ओके, डेब्यूट पोम्स है, डेब्यूट कलेक्शन है इनकी पोम्स कलेक्शन, जो कि 1945 में आई थी, ओके, ये 1945 में आई, इसमें 32 पोम्स है, मैंने अभी डिस्कस किया है, 32 है, 31 इसमें, पहले 31 थी, 45 कलेक्शन में आई थी, उसके बाद जो 1966 में इसको फेबर एंड फेबर ने अगेन पब्लिश किया था, ओके, उसमें एक पहले 31 थी, ओके, इसमें एक पोएम अलग ऐड कर दी, फिर 32 होगी, और ये टोटल क्या होगी, 32 होगी। अब इसमें जो ऐड कर दी थी वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट वाइल शी ब्रश्ड हर हेयर, ये इसमें ऐड कर दी गई थी, जो इसमें कलेक्शन में ऐड कर दी गई थी। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे जिल की बात करेंगे, जो जिल है ना इनकी, जिल है, ये नॉवल है, ओके, इनकी नॉवल है, जो कि 1945 में आई थी, ओके, ये पब्लिश हुई थी, जो प्रेस है इनकी 1946 में आई थी ये, जो कि इनकी प्रेस है फॉर्चून प्रेस में आई थी, ओके, फॉर्चून प्रेस में आई थी, और वहाँ पे जब लार्किन सेंट जॉन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में थे, ओके, जब सेंट जॉन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में थे, ये क्या है, ये वार टाइम ऑक्सफोर्ड को दिखा रही है, इन विच इट वाज रिटन, जो प्रोडक्ट इसमें प्रोटैगनिस्ट है ना कैंप है, ओके, जॉन कैंप है, ये ना इसमें जॉन कैंप नाम का एक कैरेक्टर है, ये यंग मैन है इन द नॉवल में, और जिल
इसकी इमेजिनरी सिस्टर है। जिल कौन है? इसकी इमेजिनरी सिस्टर है जिल इसकी। ओके, वो ना दिमाग में सोच लेता है जिल नाम की लड़की के बारे में भी, ये मेरी सिस्टर है, उसके बारे में सोचता रहता है। एक ना इसको लड़की मिलती है गिलियन, जो मतलब उसको ऐसी लगती है जिली है। ओके, वो ऐसी लगती है। गिलियन एक लाइफ रियल लाइफ करेक्टर है। ओके, गिलियन जो इसको ऐसे लगता है वो जिल ही है। 15 ईयर ओल्ड की है ये, 15 साल की है। वार्नर्स फ्रेंड एलिजाबेथ की कज़न है ये। ओके, इसमें कैम्स उसके साथ बहुत इन्फेचुएट फील करता है उस पर। गिलियन है और एलिजाबेथ है जो, वो उसको मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते उसकी बात के। थ्राफ्टेड बाय द विल एलिजाबेथ एंड गिलियन, मतलब उसको ध्यान नहीं देते, उसकी इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को समझते नहीं है, इसमें ये दिखाया गया है। ओके, इसके बाद इनका है जो फिलिप लार्किन की जो नॉवल है, अ गर्ल इन विंटर। ओके, ये है ना जो अ गर्ल इन विंटर, जो अ गर्ल इन विंटर है ना, ये इनकी आई थी 1947 में आई थी, इनकी नॉवल आई थी। ये किसने पब्लिश की थी? फेवर एंड फेवर इसने पब्लिश की थी। और इट वाज पब्लिश्ड इन यूएसए इन 1962, और ये यूएसए में 1962 में पब्लिश हुई थी यूएसए में। ओके, द मेन कैरेक्टर इन द नावल गर्ल, जिसका नाम है कैथरीन लाइंड, मेन कैरेक्टर है इसकी कैथरीन लाइंड। जो मेन कैरेक्टर है कैथरीन लाइंड है, वो ना मतलब क्या है, एक 12 आवर पीरियड का टाइम दिखाया गया, इन विच शी हैज़ टू लीव वर्क टू एस्कॉर्ट अ कलीग उसने हु हैज़ बीन टेकन इल, जो कि बीमार है। द इंसिडेंट, इसमें रिजल्ट में इसमें क्या दिखाया गया है, वो एक लड़का है जो कि रॉबिन नाम का लड़का है, उससे प्यार करती है, वो बीमार है जैसे ओल्ड, अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा लड़की का इसमें, कैथरीन लाइंड का इसमें लव ओल्ड इंटरेस्ट, वो जब टीनेजर में जो इसका इंटरेस्ट था वो नहीं रहा, इसमें ये दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद इसका जो है नेक्स्ट वर्क है जो द लेस डिसीव्ड, जो लेस डिसीव्ड है ना, इनका 1955 में आया था। ओके, इसमें क्या है, इसमें ये मैच्योर कलेक्शन है इनकी, पहले मैच्योर नहीं थी, देखो जैसे जैसे बंदा लिखता है मैच्योर हो जाता है, ये मैच्योर कलेक्शन है। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी है, चर्च गोइंग टॉर्ड्स सरबजीत मैम, अगर बात करें इसमें जो है ना, इसमें कई कलेक्शन है, जो मेन पोएम है जो लेस डिसीव 1955 में आई थी, इसमें एक तो होगी चर्च गोइंग जो इसके अंडर आती है। ओके, और उसके आगे टॉर्ड्स ये आगे, और आगे मैडन नेम ये आगे, एक बोर्न यस्टरडे ये भी इसके अंडर आती है, बोर्न यस्टरडे, रिटन फॉर द बर्थ ऑफ सैली एमिस। ओके, बोर्न यस्टरडे किसके बर्थ को दिखाया गया है इसमें, सैली एमिस। और इसके लाइंस ऑन अ यंग लेडी ये भी लेडीज ऑटोग्राफ एल्बम ये इसमें दिखाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है इनका काफ़ी। लेस डिसीव्ड इसमें पोम कलेक्शन है जो भी दिखाई गया है। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी पोम्स की, जो हम नेक्स्ट बात करेंगे इनकी है हाई विंडोज़। ये जो इनकी आई थी ना, ये भी कलेक्शन ऑफ पोम्स है हाई विंडोज़, ये 1974 में आई थी। ओके, बाय फेबर एंड फेबर। द कलेक्शन इज द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ न्यू पोएट्री बाय लार्किन बिफोर His death in 1985. इनकी डेथ से पहले की ये बहुत अच्छी कलेक्शन है। इट कंटेन्स सम ऑफ द मोस्ट फेमस पोम्स, इसमें कौन कौन सी है, तो हाई विंडोज खुद होगी, एक आगे डबलेस्क्यू डबली
rescue. Okay, this be the verse. Next again, this be the verse. Okay, फेबर 1974 में फेबर एंड फेबर में आई थी. इसमें कौन कौन सी, एक तो हाई विंडोज आ गई, डब्ली नेस्क्यू होगी, दिस बी द वर्स ये इसके अंदर आती है जो कि 1974 में आई थी. ये भी इम्पोर्टेंट है. ओके, इसके बाद अगर हम बात करें इनकी नेक्स्ट की तो है डिसेप्शन. डिसेप्शन कब आई थी, 1950 में. ओके, ये मास्टरपीस रिटन है व्हेन लार्किन वाज स्टिल इन हिज 20s. ओके, डिसेप्शन वाज इंक्लूडेड इन लार्किन फर्स्ट मेजर वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री द लेस डिसीव्ड. जो डिसेप्शन है ना, इसको जो इनकी फर्स्ट मेजर वॉल्यूम थी जो मैच्योर कह सकती हैं, 1955 में आई थी द लेस डिसीव्ड, उसके अंदर इसको रखा गया है. इसमें एक एड्रेस किया है गर्ल को नाउ लॉन्ग डेड, जो कि अब मर चुकी है ऑफ कोर्स, एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ शी मस्ट हैव फेल, उसने क्या फील किया होगा. फेमसली कंप्राइजिंग हर माइंड टू ड्रावर ऑफ नाइस लाइंग ओपन, मतलब उसको जैसे चाकू गोद कर मार दिया गया था उसमें दिखाया गया, तो उसका लास्ट सीन दिखाने की कोशिश की है भी उसको कैसे फील होगा जब उसने एक ओपन चाकू को देखा होगा, उस पर वार किया होगा, उसके अंदर क्या फीलिंग्स होगी, इसमें दिखाया गया है. ओके, जो डिसेप्शन है द लेस डिसीज. उसके बाद चर्च गोइंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो आज के लोगों का सोच है, जो हम पेसिमिस्टिक व्यू है उसको दिखाया गया है. ओके, उसके बाद इनका मिस्टर ब्लीनी, मिस्टर ब्लीनी जो कि 1955 में आया था. ओके, इट लार्किन कंप्लीटेड मिस्टर ब्लीनी इन मई 1955 में कंप्लीट किया था. 9 ईयर लेटर इन द थर्ड मेजर वॉल्यूम, जो विट्सन वेडिंग आई थी ना, इसमें इसको ऐड किया गया है. किस में ऐड है, ये विट्सन वेडिंग में. ओके, 1964 में आई थी जो विट्सन वेडिंग. विट्सन वेडिंग इसमें ऐड आई है. ओके, दिस पोइम इज अबाउट ए प्रोफेशनल मैन रीडिंग ए रूम इन ए वुमेन्स हाउस एंड नर्सिंग एंड म्यूजिंग ऑन द लाइफ ऑफ द प्रीवियस टेनेंट मिस्टर ब्लीनी. इसमें जो प्रोफेशनल मैन है, ओके, जो एक रूम को रेंट ले लेता है, रेंट ले लेता है रूम को, ओके, लेडी की हाउस को, एंड म्यूजिंग ऑन द लाइफ ऑफ द प्रीवियस, जो पहले वाला टेनेंट था, जो किराएदार था मिस्टर ब्लीमी, उसके बारे में बात कर रहा है उस, इसमें ये दिखाया गया है. ओके, इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है. ये था फिलिप लार्किन के बारे में. आगे जो भी कुछ नेक्स्ट इनके बारे में जो भी MCQs हो गए उनको डिस्कस करूँगी. आई थिंक यू लाइक द वीडियो. काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट इसमें मैंने कुछ कवर करने की कोशिश की है. और इनके कुछ और वर्क्स हैं, जैसे कि हम मैं आपको बताऊँ आपको, देखो मैंने विट्सन वेडिंग हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थशिप हो गया, लेस डिसीव्ड, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है. एनस मिराबिलो